हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फ्री मेडिसिन एडवाइस चैनल और मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस अनवांटेड 72 टैबलेट के बारे में। मैं पहले भी इसका वीडियो बना चुका हूं, लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया है तो मैं उसके जवाब आज देना चाहता हूं। मैं उनका जवाब दे भी चुका हूं, पर मैं चाहता हूं कि इसका एक वीडियो बना दूं ताकि और जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं उनको ये पता चल सके कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है और कितने टाइम के अंदर इसका इस्तेमाल करना है जिससे कि बेहतर रिजल्ट मिले। तो दोस्तों, मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि ये कौन सी ब्रांड की बनाई हुई प्रोडक्ट है, इसकी एमआरपी क्या है, लेकिन मैं फिर भी एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये मैनकाइंड की बनाई हुई प्रोडक्ट है और इसकी एमआरपी 85 रुपीज है। दोस्तों, ये सिंगल टैबलेट में आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार की टैबलेट इसके अंदर होती है सिंगल। और दोस्तों, आइए जानते हैं अब इसके बारे में कि इसका इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले एक क्वेश्चन लेता हूं जो कि कमेंट्स में आया हुआ था कि इसे महीने में कितनी बार यूज कर सकते हैं, यानी कि इसका इस्तेमाल हम महीने में कितनी बार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल आप कम से कम करें क्योंकि ये एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल महीने में ज्यादा से ज्यादा एक ही बार करें और हो सके तो 2 महीने 4 महीने में एक बार करें, क्योंकि इसके ज्यादा इस्तेमाल से आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। आपके जो मेंस हैं उसमें गड़बड़ी हो सकती है, आपको बांझपन की शिकायत हो सकती है। तो दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल ना के बराबर करें, ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट है, इसलिए आप असुरक्षित यौन संबंध करते हैं और उस वक्त ही आप इसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, इसको आप महीने में एक बार ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि इसको सेक्स करने के कितने घंटे बाद लेना चाहिए। तो मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि आप इसका इस्तेमाल 40 से 50 घंटों के अंदर अगर कर लेते हैं, 50 घंटे से पहले आप अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, यानी कि इसके रिजल्ट 100% होते हैं। और इसके बाद अगर आप 60वें घंटे या फिर 65वें घंटे या फिर उसके बाद आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके काम करने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो आप अगर इसको 40 घंटे यानी कि 40 घंटे के अंदर ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से रिजल्ट देती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि इसके इस्तेमाल से पीरियड में गड़बड़ी होती है। बहुत सारे दोस्तों ने ये कमेंट्स किया हुआ था कि सर, मैंने अनवांटेड 72 का इस्तेमाल किया और 15 तारीख को मेंस आना था और 20 तारीख हो गई, अभी तक मेंस आया नहीं है। तो दोस्तों, इसके इस्तेमाल से कभी कभार मेंस में गड़बड़ी होती है। जिस महीने आप इसका इस्तेमाल करते हैं उस महीने हो सकता है आपका मेंस या तो जल्दी आ जाए या तो फिर 2 4 दिन 5 दिन लेट भी आ सकता है। बहुत कम लोगों को ऐसे होता है, लेकिन इस प्रकार से मेंस में गड़बड़ी हो सकती है। अगली जो क्वेश्चन है वो है कि अगर इसे लेने के बाद 10 मिनट या 15 मिनट में उल्टी हो जाए तो हम क्या करें। तो दोस्तों, अगर इस अनवांटेड 72 टैबलेट को अगर आप ले रहे हैं और अगर 10 से 15 मिनट के अंदर उल्टी हो जाए तो आपको दूसरी अनवांटेड 72 की टैबलेट लेनी पड़ती है, क्योंकि वो अच्छी तरह से आपके शरीर में काम नहीं की हुई है और आपको उल्टी हो चुकी है। तो इस तरह की अगर स्थिति आपको होती है, अगर उल्टी हो जाती है, तो आप इसका दोबारा से इस्तेमाल कर लें। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि इसे खिलाने के बाद हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको खिलाने के बाद आपके मेंस में गड़बड़ी हो सकती है, आपको ज्यादा अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बांझपन की भी शिकायत हो सकती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि कोई और मेडिसिन अगर ले रहे हैं तो उस वक्त हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, अगर आप एलर्जी की दवा ले रहे हैं या फिर आप और भी किसी प्रकार की दवा ले रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल जब भी करें तो अगला जो दवा आप ले रहे हैं एलर्जी की या फिर और किसी भी प्रकार की, तो उस दवा को कम से कम 5 से 6 घंटे के अंतराल में लें, तभी ये अच्छी तरह से काम कर सकती है। और हो सके तो अगर आप एंटीबायोटिक टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल से 12 घंटे के बाद आप एंटीबायोटिक टैबलेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि एंटीबायोटिक टैबलेट लेने से या फिर इंजेक्शन लेने से अनवांटेड 72 की जो पावर है वो कम हो सकती है। इसलिए अगर आप इस प्रकार के टैबलेट ले रहे हैं तो ध्यान रखें कि अनवांटेड 72 के लेने से पहले या लेने के बाद ये 12 घंटे का अंतराल कम से कम होना चाहिए, तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ क्वेश्चन और आंसर।
तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप बेसिक्स रूप से इस टैबलेट की जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा और जो एक वीडियो बनाया हुआ है अनवांटेड 72 का, आप उसे जाकर देख सकते हैं और इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर अच्छी लगी तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। और अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल का बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।